हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग का पार्ट वन, जिसमें हम रूटा के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस रूटा क्या है? रूटा जो है फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग रूट ड्रग के अंदर आता है। तो ये रूटा क्या होता है, क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और इसमें क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और उसके यूजेस के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो रूटा है, इसको फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मेन केमिकल होता है वो फ्लेवोनॉइड कैटेगरी का होता है। तो ये जो रूटा है, इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये जो रूटा है, ये क्या कंसिस्ट ऑफ होल प्लांट एंटायर प्लांट होता है। इसका ड्राइड हर्ब यूज किया जाता है। कौन से प्लांट का? उस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है रूटा ग्रेव्यूलेंस। रूटा ग्रेव्यूलेंस का एंटायर प्लांट, एंटायर ड्राइड हर्ब जो है, इसको यूज करते हैं मेडिसिनली। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये प्लांट रूटेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये जो रूटा है, इसको और क्या बोला जाता है? इस रूटा को हम रुई भी बोलते हैं, हिंदी में सदाब या सताब भी बोला जाता है। ये गार्डन रुई बोला जाता है। मीन्स ये जो प्लांट होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट गार्डन में। इसको एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट इसको कल्टिवेट किया जाता है, या इसको मेडिसिनली भी यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इसको कल्टिवेट किया जाता है। तो ये जो प्लांट है, इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया में भी इसका कल्टिवेशन होता है ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका कल्टीवेशन होता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रूटा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूटा। तो ये जो रूटा होता है, इसका क्या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक है? मींस इसमें जो कलर होता है, इस रूटा का जो लीव्स का जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ऑर्डर जो है स्ट्रांगली कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ऑर्डर होता है। टेस्ट इसका पंजेंट होता है और इस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इस रूटा में क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूटा जो है फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग के अंदर आता है, मींस इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो फ्लेवोनॉइड कैटेगरी का होता है। और ये फ्लेवोनॉइड जो है ग्लाइकोसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये जो है लिंक्ड होता है टू द शुगर यूनिट। तो इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रूटा में है, वो है फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। तो इसमें कौन सा फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है रूटीन। रूटीन क्या है? यही मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रूटा का। और ये पेल येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मींस जब इस प्लांट से इस रूटीन को जब आइसोलेट किया जाता है तो ये पेल येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही आइसोलेट होता है। इसके अलावा इसमें जो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें अल्कलॉइड भी प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है और फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट होता है। मींस फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड के अलावा अल्कलॉइड, वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल की कैटेगरी का भी इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो अल्कलॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें रुटेलिनियम, डिक्टामीन एंड रूटामीन ये प्रेजेंट होता है। और फिक्स्ड ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? फिक्स्ड ऑयल में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो है लिनोलिक एसिड, स्टरिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। और इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। तो उस वोलेटाइल ऑयल में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल में लाइमोनीन, सीनियॉल, इथाइल वैलेरेट, मिथाइल सैलिसिलेट, कैरियोफाइलिन एंड मिर्सिन, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। किसमें? रूटा के ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रूटा। तो ये हमने यहाँ पे रूटीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो रूटीन, जैसा कि हमने आपको बताया, ये फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड होता है। तो इस रूटीन का मीन्स फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड है, मीन्स इसमें एक ग्लाइकोन पार्ट और ग्लाइकोन पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। एक ग्लाइकोन पार्ट में मीन्स नॉन शुगर पार्ट क्या होता है रूटीन का? वो होता है क्यूरसिटीन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये एक ग्लाइकोन पार्ट है। किसका? ये रूटीन का एक ग्लाइकोन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरसिटीन बोलते हैं। और इस क्यूरसिटीन में जब यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के थ्रू जब ग्लूकोज और रामनोज शुगर यूनिट जब जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? रूटीन, जो कि क्या है? फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड है। तो ये हो गया रूटीन का स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ रूटा। तो रूटा का क्या क्या यूज होता है? तो इस रूटा को यूज किया जाता है एज अ कैपिलरी प्रोटेक्टेंट, मतलब कि कैपिलरी को क्या करता है? कैपिलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ कैपिलरी प्रोटेक्टेंट यूज किया जाता है। साथ ही इसको यूज करते हैं एज एन एंटीटर्सिव, एंटीटर्सिव यूज किया जाता है। मीन्स इसको कफ के प्रिवेंशन के लिए, कफ के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज करते हैं एज एन स्पास्मोलाइटिक। स्पास्म मतलब क्या होता है? स्पास्म मतलब कि जब स्मूथ मसल्स का जब एठन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसी को हम स्पास्म बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है। तो इस
स्पास्म को मींस एथन को ठीक करने के लिए, उससे हो रहे पेन को ठीक करने के लिए हम इस रूटा को यूज करते हैं। इस यहाँ पे हम लिखा है इट इज यूज इन द क्रैम्प्स एंड मसल्स स्पास्म, और मसल्स के एथन के लिए क्रैम्प जब होता है तो उसके ठीक करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। तो क्या है, स्पास्मोलाइटिक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूजेस हमने लिखा है इट इज यूज एज इमेनवा। जनरली ये जो रूटा है, जो रूटा का जो ड्राइड हर्ब्स है उसको हम उसके लिक्विड एक्सट्रैक्ट को या उसके इन्फ्यूजन को यूज किया जाता है एज एन इमेनवा। इमेनवा क्या होता है, इमेनवा ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेनवा बोलते हैं। तो ये जो रूटा है इसको ऐसे इमेनवा भी यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट और इन्फ्यूजन। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है रुटीन विच इज यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इट टू ट्रीट द कैपिलरी ब्लीडिंग एंड ब्लड वेसल प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो रुटीन है, रुटीन जिसको हम रूटा ग्रेवियन से आइसोलेट करते हैं, तो रूटा ग्लेविलन से या अदर जो स्पीसीज है जिसमें रूटा रुटीन प्रेजेंट होता है, तो उस रुटीन को किसके लिए यूज किया जाता है, इस रुटीन को यूज करते हैं इन द कॉम्बिनेशन विद एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ उसको यूज करते हैं कैपिलरी ब्लीडिंग को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। और ये कैपिलरी ब्लीडिंग क्यों होती है, कैपिलरी ब्लीडिंग जनरली जब कैपिलरी की जो फ्रेजिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जनरली कौन से केस में, इन द डिजनरेटिव वेस्कुलर डिसीज में, मतलब वेस्कुलर कोई डिसीज हो गया तो उस कंडीशन में जो कैपिलरी जो होते हैं उसकी जो फ्रेजिलिटी है इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि कैपिलरी जो इजिली जो डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए रूटीन को यूज किया जाता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है मतलब कि ये जो रूटीन होता है, ये रूटीन हमारे बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स मतलब कि ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता है, जिसमें अनशेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये जो एंटी ऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी होती है इस रूटीन की, तो ये क्या करते हैं, ये रूटीन जो है ये फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि हमारे सेल को वो डैमेज ना कर सके। ये जो रूटीन होता है, ये रूटीन जो है हार्मफुल रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये हो गया रूटा के बारे में, रूटा का बायोलॉजिकल सोर्स, उसमें क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उसके यूजेस के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में मींस फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग पार्ट 2 में हम टी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।